मध्य प्रदेश में इन दोनों अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलें हैं कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आलाकमान कोई नया ऐलान कर सकता है। अंदर खाने में चर्चा गर्म है, कानाफूसी का बाजार भी गुलजार, और इस दौरान अगर कोई बड़ा नेता किसी दूसरे नेता से मुलाकात कर ले, एक दूसरे के घर आए जाए या फिर बात कर ले, तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बन जाती हैं। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने मुलाकात की। उसके बाद बीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई। नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली दौरे हुए, फिर क्या था, देखते ही देखते राजनीतिक गलियारे फिर गुलजार हो गए। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि क्या होने वाला है, क्या सचमुच मध्य प्रदेश में बीजेपी में बहुत कुछ बदलने वाला है। मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे बदलाव की अटकलें जोर पकड़ रही थी, वैसे वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कभी ज्योतिराज नंबर वन पर होते हैं, तो कभी नरोत्तम मिश्रा और कभी कैलाश विजयवर्गीय। कुछ तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी मध्य प्रदेश की कमान सौंपने की बात करते हैं। वहीं महाकौशल के नेता प्रहलाद पटेल का वो मध्य प्रदेश के मुखिया बनाने की बात चलती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता में भी इन दोनों कांग्रेस की तरह अपने अपने नेता को नाम को लेकर जोर शोर से उछाला जा रहा है। ये बात और है कि मध्य प्रदेश को लेकर आलाकमान की रणनीति क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तो तय है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को तैयारी बहुत करनी होगी, क्योंकि बीजेपी 2018 की तुलना में भी कमज़ोर है, संगठन कमज़ोर है, अंदर खाने में विरोध के सुर भी हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है।